आज इसरो जो है वो अपना सबसे भारी रॉकेट जो लॉन्च करने जा रहा है। इसरो उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और ये लॉन्च हो चुका है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से ब्रिजन की कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर के उड़ान भर रहा है ये रॉकेट। इसरो का लक्ष्य है दुनिया को बेहतर कनेक्टिविटी देना और दुनिया भर के कई देश हैं जो अपने सैटेलाइट्स अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो का सहारा लेते हैं क्योंकि इसरो स्पेस के क्षेत्र में न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गया है बल्कि सबसे किफायती दामों में स्पेस तक पहुंचने का काम भी दुनिया के अलग अलग देशों के उपग्रह के लिए इसरो कर रहा है जो कि भारत के लिए गर्व की बात है। इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं LVM3 OneWeb के साथ मिलकर ये लॉन्च किया जा रहा है और इसरो ने एक साथ 36 सैटेलाइट आज लॉन्च किए हैं। ये OneWeb के 36 सैटेलाइट हैं। दुनिया भर के कई देश इसी तरीके से अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो का सहारा लेते हैं। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग की गई है, 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, LVM3 का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है। सबसे भारी रॉकेट LVM3 की लॉन्चिंग की ये सीधी तस्वीरें प्रक्षेपण की आप देख रहे हैं। आसमान में इसरो का ये नया कीर्तिमान श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए हैं 36 सैटेलाइट। OneWeb के ये सैटेलाइट हैं, कुल मिलाकर 36 जिनकी लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें आप श्रीहरिकोटा से देख रहे हैं। तो इसरो की ये ऊंची छलांग है, 36 सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ा LVM3 रॉकेट लॉन्च किया इसरो ने। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और आपको बता दें कि OneWeb इंडिया पार्ट 2 मिशन ये इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे भारी LVM3 की ये लॉन्चिंग की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 OneWeb उपग्रहों के साथ ये सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है जिसकी तस्वीर आपने देखी प्रक्षेपण की। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे जहां आज एक साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च। और ये रॉकेट लॉन्च के वक्त की तस्वीर इस वक्त आपने देखी, OneWeb के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है और 200 बूस्टर्स। देखिए श्रीहरिकोटा का जो रॉकेट पोर्ट है उसके दूसरे लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया गया है और 5800 किलोग्राम वजन वाला ये जो रॉकेट है ये लॉन्च किया गया है। 36 सैटेलाइट इसके जरिए अंतरिक्ष में ले जाए जा रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में इसे रखा जाएगा, यानी कि पृथ्वी की सबसे निचली जो कक्षा है उसमें इन सैटेलाइट को रखा जाएगा जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी इस लॉन्च को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसरो एक मौका देता है लोगों को ताकि वो वहां पर मौजूद रह सकें कुछ दूरी पर और इस लॉन्च को लाइव देख सकें। LVM3 के जरिए इन्हें लॉन्च किया गया है। LVM3 OneWeb इंडिया का ये मिशन जिसकी लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ये OneWeb के हैं और इसी के जरिए आसमान में एक नया कीर्तिमान इसरो ने अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भी दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए इसरो का सहारा लेते हैं क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो इस वक्त दुनिया में अग्रणी है। न सिर्फ अग्रणी है बल्कि बेहद कम कीमत में दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को वो अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम भी कर रहा है और इसीलिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्पेस के क्षेत्र में इसरो का लोहा पूरी दुनिया मानती है। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें, OneWeb के 36 सैटेलाइट लेकर इसरो का सबसे भारी रॉकेट अंतरिक्ष की ओर रवाना हो चुका है। तो अधिकारी ने यह भी बताया कि विक्रेता की जो ओर से 36 उपग्रहों के साथ ये डिस्पेंसर की आपूर्ति की गई थी और इसका इस्तेमाल उनके पहले के सभी प्रक्षेपणों में किया गया था। ये तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। दरअसल 1999 से शुरू होकर इसरो ने अब तक कुल 345 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है और 36 OneWeb उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण से यह संख्या 381 हो गई है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां एक और सेट को 2023 में कक्षा में स्थापित करने की आगे एक और योजना बनाई गई है और ये आपको बता दें कि OneWeb के 36 उपग्रहों के एक और सेट को आज यहां पर लॉन्च किया गया है और ये प्रक्षेपण OneWeb के समूह को 462 उपग्रहों तक
लाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसरो का अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान आप देख रहे हैं। सबसे भारी रॉकेट इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया, 36 सैटेलाइट इस रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त उस लॉन्चिंग की आप देख रहे हैं जो श्रीहरिकोटा से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इसरो की, आसमान में इसरो का ये नया कीर्तिमान इस वक्त आप देख रहे हैं। श्रीहरिकोटा ने इसरो LVM3 लॉन्च कर दिया, 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर के इसने इस रॉकेट ने उड़ान भरी है। ये सफल प्रक्षेपण इसरो का ऑपरेशन LVM3 M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन है ये, जो 36 सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ है। सफल प्रक्षेपण इंजन है। हमारे साथ जयपाल शर्मा जुड़ चुके हैं। जयपाल, एक सफल प्रक्षेपण हमने देखा, एक साथ एक रॉकेट से 36 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया आज। हेलो जयपाल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, अपना प्रश्न सुन रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसरो का ये सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च इस वक्त हम सभी ने देखा। जी देखिए, ये आप एक चीज में समझने वाली है कि इसरो अब तक जो है जो देश के लिए जो काम कर रहा था, अब सरकार के द्वारा उसका एक कमर्शियल आर्म बनाया गया है। और ये जो लॉन्च है ये पूरी तरह से एक कमर्शियल लॉन्च है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉन्च के साथ ही वेबवन नामक एक कंपनी है, और जिसको जो अपने अंतरिक्ष में लगभग उसने 600 से के आसपास जो है सैटेलाइट लॉन्च करने हैं किए हैं। और इसरो को ये अवसर मिला कि उसने 70, अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है तो लगभग 72 जो है सैटेलाइट वो अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हुई है वेबवन के लिए। तो इसको जो है इसरो ने अक्टूबर 2022 में भी दोहराया था, और आज एक बार फिर उन्होंने इस लॉन्च को किया है। ये बहुत बड़ी सफलता है इसके अंदर में, क्योंकि इस तरह से करने के बाद जो है वेबवन के जो है कुल 600 जो सैटेलाइट का एक जाल है वो उन्होंने बिछाना था, उसमें बिछाने में वो कामयाब हो जाते हैं और उसमें भारत की भूमिका रहती है। बिल्कुल, जैसा कि जयपाल ने बताया कि इसरो का ये कमर्शियल विंग है जिसके जरिए ये सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। भारत के लिए तो इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता ही है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देश भी अपने उपग्रहों को इसरो के जरिए लॉन्च करवाते हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसके लिए ये 36 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए। Zee News.